हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि जो स्टूडेंट पीसीएम से एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको कौन कौन से कोर्सेज के साथ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ रहेगा, एनडीआरए की हम बात करें तो कितने रैंक तक तो जो आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है, साथ ही साथ जो अनदर कॉलेज है उनमें आपको कितनी रैंक तक वो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट है वो कोर्स वाइज मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे इस साल की, तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक के हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट हमारे टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, उन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ वही स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें जिनको काउंसलिंग करवाना हो। ठीक है, क्योंकि इस बार काउंसलिंग में आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान पड़ेगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार आपका जो है काउंसलिंग जो होने वाला है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करें तो बहुत कम हो गए हैं। दूसरी बात, पिछली बार की हम बात करें तो 15% सीटों पे आपका एडमिशन होता था, अब आपका 20% सीटों पे एडमिशन होगा। तो बहुत कुछ डाटा चेंज होने वाला है, बहुत से स्टूडेंट खुद से चॉइस प्रिंट नहीं करें, तो इसलिए हमारी टीम ने आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आपको एक्सपर्ट हमारी टीम जो है आपका काउंसलिंग करेंगी, जिसमें जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कितनी रैंक पे आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आचार्य अन्नगंगा की हम बात करें तो 27,000 तक सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड की हम बात करें आचार्य अन्नगंगा में, तो बिहार के स्टूडेंट को 46,000 तक सीट है वो अलॉटेड हुई है। ठीक है, वहीं हम बात करें थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में आपको उड़ीसा के स्टूडेंट को 47,000 तक रैंक तक जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सीट है वो अलॉट हुआ है। वहीं हम बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की, तो सेकंड राउंड में आपको उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को 34,000 में अलॉट हुई है। और चौधरी चरण सिंह की हम बात करें तो 17,000 तक सीट अलॉटमेंट हुई है, 11,000 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, डॉक्टर बाला साहब सर्वर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 41,000 तक सीट अलॉट हुई है, 58,000 तक सीट अलॉट हुई है। वहीं हम बात करें डॉक्टर पंजारों में बात करें तो यहाँ पे सीट अलॉट हुई है 45,000 तक। ठीक है, वहीं हम बात करें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बिहार के स्टूडेंट को 25,000 तक और 18,000 तक यहाँ पे सीट चंडीगढ़ के स्टूडेंट को अलॉट हुई है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को 26,000 अलॉट हुई है। फोर्थ राउंड में आनंद एग्रीकल्चर स्टूडेंट को 34,000 तक सीट है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे अलॉटेड हुई है। अब हम बात करें बिंदन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय की, हम बात करें वेस्ट बंगाल में स्थित है जिसका 40,000 रैंक पर यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। वहीं हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ये सारा आपको जनरल कैटेगरी हम डिस्कस किए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी में यदि आपका रैंक है फर्स्ट राउंड की हम बात करें तो आपका यहाँ पे रैंक 37,209 तक यदि आया तो आपको सीट अलॉटेड हो जाएगी। ठीक है, वहीं हम बात करें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर में, जो 40,000 तक यहाँ पे रैंक पे अलॉटेड हुई है। हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 39,395 रैंक तक जो है यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। ठीक है, जिसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वहीं हम बात करें थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में आपका झारखंड के स्टूडेंट को 62,000 तक भी यहाँ पे सीट कभी कभी अलॉटेड हो जाती है। ठीक है, और वहीं हम बात करें आपका, तो ये जो डाटा है वो लास्ट ईयर का है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि 1.6 स्टूडेंट ने अप्लाई यहाँ पे आईसीआर एग्जाम दिया था, तो इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट ही 61,000 है। ठीक है, तो इतना तो आपका कट ऑफ जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ है वो कम रहेगा, लेकिन आपका जो है रैंक चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का डाटा है, इस पर आप इतना आपको जो है देखना नहीं है, इतना सोचना नहीं है कि यार 61,000 स्टूडेंट है तो 79 पे सीट अलॉटेड हुई है तो हमको भी सीट अलॉटेड हो जाएगी। देखिए इस पर बहुत कुछ गलत डाटा भी है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपका सोशली एक्टिव जो है साइड होती है उस पर आपको नहीं दिया गया। ठीक है, ऑफिशियल साइड पे ऐसा कोई डाटा नहीं है, आपका जो डाटा ये हमने उठाया है वो किसी अदर साइड पे, हालांकि ये सच भी है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये रैंक आपको सही है, इस रैंक पे अलॉटेड हुई है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं होती है, कोई एक दो स्टूडेंट है जिनको अलॉटेड हो जाती है। ठीक है, तो वो उनका जो है काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह का वो काउंसलिंग में रखते हैं। तो इस चीज़ पे आपको गंभीर विषय पे आपको चर्चा नहीं करना है, जो यहाँ पे बताया गया तो अप्रोक्सीमेट आपको कॉलेज पे ध्यान रखना है कि इस कॉलेज में कट ऑफ है वो सबसे कम रखनी है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में बताने का मतलब यही कि मुख्य उद्देश्य यही है कि किस कॉलेज का सबसे कम कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा रैंक पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। तो यहाँ पे चौधरी चरण की हम बात करें तो 49,000 तक सीट अलॉट हुई है। डॉक्टर बाला साहब पंजारों की हम बात करें तो बिहार के स्टूडेंट को 8,000 में अलॉट 80,000 तक अलॉट हुई है पीडब्ल्यूडी से। ठीक, वहीं हम बात करें आपका मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को तो 10,000, 96,000, 35,000 तो 1,00,000 तक सीट अलॉट हुई है।
और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम बात करें लुधियाना, तो यहाँ पे बिहार के स्टूडेंट को 56,000 तक सीट अलॉट हुई है। तमिलनाडु के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की हम बात करें तो 65,000 तक सीट है वो एसटी के स्टूडेंट्स को अलॉटेड हुई है। वहीं हम बात करें आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका, तो दूसरे राउंड में 83,000 तक सीट अलॉट हुई है। एसटी की हम बात करें ओरल लाइक तो आचार्य एनरंगा में हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट को 53,000 में, और उसके बाद डॉक्टर बाला साहब की हम बात करें तो 86,000 में सीट अलॉट हुई है, जो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, ठीक है। और वहीं हम बात करें महात्मा फुले कृषि विद्यालय राहुल की, तो यहाँ पे सेकंड राउंड में 10,000 1 लाख तक यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए गया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर की हम बात करें तो 81,907, तो इस तरह से आप सारा डाटा देख सकते हो। लेकिन इस डाटा से आपको जो है इस बार एडमिशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग से निकाल देनी है, आपको यहाँ पे यही नोटिस करना है कि कौन सा कॉलेज का कट ऑफ है वो सबसे कम जाता है, क्योंकि इस बार टोटल स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि 61,000 है, तो यहाँ पे जब मान सकते हो कि 80,000 तक सीट अलॉट हो रही है, तो 80,000 इस बार टोटल स्टूडेंट है, तो ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को सीट है वो अलॉट हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी अनदर जो है कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अनदर जो आपके कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन ले लेते हैं, इसलिए सीट वेकेंट होने के कारण जो हायर रैंक पे भी स्टूडेंट को सीट है वो अलॉट हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही फोकस देना है कि कौन सी कॉलेज का कट ऑफ है वो कम जा रहा है, मतलब ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, तो ये नहीं सोचना है कि यार हमारे 61,000 तो टोटल स्टूडेंट है तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, सभी का नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब ज़्यादा स्टूडेंट होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं ना कहीं जो टॉपर्स होते हैं वो अनदर इंस्टीट्यूट में या अनदर कोर्सेस में अप्लाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर सीट वेकेंट होने के कारण जहाँ पे हाई मार्क्स वालों को भी जो है सीट अलॉटेड हो जाती है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीसीएम की स्टूडेंट है, ठीक है, पीसीएम का स्टूडेंट्स का कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाता है, तो इसलिए आपका जो है जितने भी मार्क्स है, मान लीजिए कि 50% है, 60% है, परसेंटाइल है 70 है, 80 है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, पीसीएम के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सीट है वो अलॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये जो आपका डाटा है ये ऑफिशियली डाटा नहीं है, किसी साइट पे दिया हुआ था, दिया हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे भी चेक करते हैं, तो ये डाटा सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ है वो सबसे कम जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यदि हम इस वीडियो में कोई भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो अब वहीं हम पीएच कैटेगरी की हम बात करें तो पीएच कैटेगरी का हम यहाँ पे बिना रहेंगे यहाँ पे बताएंगे कि जितना भी पीएच कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट है, ठीक है, आपका जितना भी स्कोर है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए, आपको बेटर कॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए अभी 40, 30, 20 जितने भी आपका स्कोर है तो सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में जाएं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, वहां आपको सीट अलॉट होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सीट वेकेंट जाती है, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है वो सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और जितना भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड आपका होने वाला कहीं ना कहीं आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी। थर्ड राउंड तक आप जो है एक ही बार काउंसलिंग कर सकते हो, फोर्थ राउंड में आपको फिर से आपको काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप फोर्थ राउंड में अप्लाई कर सकते हो या आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में भी आपको अप्लाई करना कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे हम इतनी डिस्कस करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में ये चर्चा लगाना है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, मतलब किसका सबसे कट ऑफ है वो कम जाएगा, न कि आप ये सोचे कि यार इतने स्कोर पे इतनी रैंक पे लास्ट ईयर मिला तो हमें भी मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हुए, नंबर ऑफ सीट इस बार चेंज हुए, तो काफ़ी कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट हमारे क्रीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।